बच्चों चलो अभी मुझे पहले बताओ कि अभी नजदीक कौन सा त्योहार आ रहा है। कौन सा? पोला। पोला आ रहा है ना। पोला 2 दिन होता है, एक रियल पेलो का जो होता है पोला, और नेक्स्ट डे तान्हा पोला। तान्हा पोला यानी छोटे बच्चे उसको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तान्हा पोला में हम लकड़ी का छोटा सा नंदी क्या करते हैं, उसको अच्छे से सजाते हैं और उसको बाहर लेके जाते हैं, है ना, उसकी पूजा करते हैं। तो अपने को अभी क्या करना है बेटा, घर में रह के अपने जो नंदी है आपका, उस नंदी को अच्छे से डेकोरेट करते हैं। तो डेकोरेट कैसे करना है ये आज हमको आज हम आपको क्या करेंगे बताएंगे। देखो बेटा, ये अपने पास एक सिंपल वाला एक नंदी है ना, बिल्कुल। अब इस नंदी को, ये एकदम सिंपल है, इस नंदी को अपने को क्या करना है, अच्छे से डेकोरेट करना है और इस नंदी को एकदम ब्यूटीफुल करना है, सुंदर करना है। तो कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। देखो मेरे पास घर में ही जो आपके पास सामान अवेलेबल होगा उसी से आपको डेकोरेट करना है। ऐसा नहीं कि मैं जैसे डेकोरेट करती हूँ वैसे ही नहीं, तो जो भी सामान से आप कर सकते हो वैसे करना है। अभी मेरे पास मेरे घर में ये शीट अवेलेबल है, ये देखो सीजर ली मैंने, ये 2 शीट मेरे पास अवेलेबल है। एक लेस है जो मेरी पुरानी साड़ी थी उसकी मैंने वो लेस निकाली हूँ। स्टेपलर ली मैंने, फूल है, नग है, कुछ इतना सामान है, फेविकॉल है। इन सामान से, इतने ही सामान से हम क्या करेंगे, अपना नंदी डेकोरेट करेंगे। ओके तो देखो चलो, अब सबसे पहले मैंने क्या की, ये शीट को मैंने इस साइज का, नंदी के साइज का मैंने काट ली। ओके ऐसे काट ली। अब इसको क्या करना है, बराबर अपने पहले नंदी के साइज का ये कट कर लेना बेटा। फिर अभी इसको और डेकोरेट करना है मुझे, तो मैंने क्या की बेटा, एक लेस ली, लेस को ऐसे काटना है, उसका माप लेके उसको क्या करना है, काटना है। देखिए बेटा मैंने इस माप का ये है वो काट डाली हूं, देखिए है ना। अब इसको मैं क्या करूंगी, चिपकाऊंगी कैसे, फेविकॉल से। ओके तो मैंने फेविकॉल ली, इसको लगाई यहां पर ये, फिर मैंने यहाँ पे चिपकाई। ऐसा ही आपको ये साइड भी ऐसे ही चिपकाना है। देखो बेटा अब कैसे हमने इसको चिपका दिए हैं, थोड़ा टाइम लगेगा चिपकने के लिए, लेकिन कितना अच्छा दिख रहा है ना ये। अब हमको ये यहाँ चिपकाना है ना, तो मैं क्या करूंगी, इसको और फेविकॉल लगाऊंगी। लगाई और इधर भी लगाई। देखो बेटा मैंने ऐसा फेविकॉल लगाई और यहां मैं चिपकाने वाली हूं। देख लेना सब बाजू बराबर। ओके देखो बेटा अच्छे से चिपक गया है ये, बहुत अच्छे से चिपक गया है ना। अब मैंने ये देखो, ये थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, इसको देखो, ये फूल है, फूल में मेरे पास कुछ नग थे, तो मैंने क्या किए ऐसे उसको डेकोरेट की। अब मैं ये वाला फेविकॉल से यहाँ पे चिपकाऊंगी। मैंने ये फेविकॉल ली, इसमें लगा, बीचों बीच अपने को क्या करना है, चिपकाना है। चिपक गया, वेरी गुड। अब दूसरी साइड भी वैसे ही चिपकाना है, फेविकॉल यहां पर भी मैंने लगाई। अच्छे से और ये अच्छा,
कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पहले से भी अच्छा लग रहा है ना थोड़ा सा। अब इसको हम क्या करेंगे, नंदी जी को मुकुट पहनाएंगे। ओके, ऐसा ऐसा मुकुट पहनाएंगे। मैंने ये वाली स्टिक, ये था, ये मेरे पास ग्लिटर शीट थी, मैंने उसको ऐसे काट दी और चिपका दी थी। अब इसको मैं क्या करूंगी, अब मैंने इसको मुकुट पहनाई, लेकिन ये मुकुट भी थोड़ा खाली खाली लग रहा है ना। अब मैं इसको और इसके ऊपर फूल लगाऊंगी। अपने को इसको डेकोरेट करना है ना, तो इसको एक मेरे पास ऐसा फ्लावर था, तो फ्लावर को मैंने, ये राखी का फ्लावर था मेरे पास, अभी राखी का त्योहार गया ना, हाँ, तो उसका फ्लावर था मेरे पास, तो मैंने उसको निकाल ली और वो अभी यहाँ स्टिक करूंगी। अब कैसे मुकुट कैसे लग रहा है बेटा नंदी जी का? हाँ बिल्कुल, अपने को दूल्हे राजा जैसे सजाते हैं ना दूल्हे राजा को, वैसे अपने को इस नंदी जी को भी सजाना है। अब देखो कैसे लग रहा है, बहुत अच्छा। अब ये चीज अपने को खाली खाली लग रही है ना, तो इसमें भी हम ग्लिटर शीट जो है इसका माप लेंगे और इसको वैसे ही कट करके इसे चिपका देंगे। ओके बच्चों, चलो इस प्रकार हमने ये ग्लिटर शीट को पूरा पैक कर लिए। ओके, अब और अच्छा दिख रहा है हमारा नंदी, दिख रहा है ना। अभी अपने को क्या करना है, इसके लिए माला तैयार करना है। माला, अभी अपने को क्या करना है, नंदी जी के लिए माला तैयार करना है। तो मैंने थोड़े से फूल लाई हूँ, उस फूलों से हम नंदी जी को माला तैयार करते हैं। धागा और सुनली मैंने, एक छोटा सा हार बनाते हैं। देखो बेटा, इस तरह मैंने नंदी जी को माला तैयार की। अब मैं ये माला पहना के दूंगी। अब देखो हमारा नंदी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे नंदी जी की, बताओ। अभी अपने को नंदी पूरा अपना सज गया है, रेडी हो गया है। अब हम इनकी क्या करेंगे, पूजा करेंगे। मैंने पूजा की थाली ली हूँ, पूजा की थाली में से हम अभी हल्दी बुके लगाएंगे नंदी जी को। ओके, और इस तरह बेटा हम लोग तान्हा पोला क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अपने नंदी जी को अच्छे से सजा के रेडी करके फिर हम उसकी क्या करते हैं, पूजा करके पैर पड़ते हैं। बेटा इस प्रकार हमने अपना नंदी जी को डेकोरेट किए हैं। और मुझे एक बात बतानी है कि अपन बैल पोला क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये बैल जो होते हैं वो खेतों में बहुत काम करते हैं, यानी फार्मर जो है, शेतकरी जो है, उन किसान जो है, किसान को बहुत हेल्प करते हैं। इसीलिए किसान क्या करते हैं, उनको थैंक्स बोलने के लिए उनका ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। और त्योहार के दिन बहुत सारा एक भी काम नहीं करवाते, और उनको पूरन पोड़ी का नैवेद्य देते हैं, पूरन पोड़ी करते हैं, वड़े करते हैं, जो भी है वो बहुत करते हैं और उनको खिलाते हैं। और उस दिन उनको एक भी काम नहीं करने देते और उनको बहुत अच्छे से सजा के तैयार करते हैं। तो बेटा इस प्रकार हम ये पोला सेलिब्रेट करते हैं और तान्हा पोला भी इसी तरह सेलिब्रेट करके करते हैं। और आप सबको तान्हा पोला और पोला ये दोनों के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है बेटा, बाय।